एक बार फिर से हाजिर हैं लेके जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम? आपको बताना है आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंडियन बेटा मशीन, इंटीग्रल बिजनेस मशीन और इंटीग्रल बेटा मशीन। इसका सही आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज माइकल एंजेलो इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स की दुनिया में माइकल एंजेलो क्या है? ए हाई क्वालिटी डिजाइनर सॉफ्टवेयर, ए वायरस, अ टाइप ऑफ सर्किट और नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। इसका सही आंसर है ए वायरस। कंप्यूटर की दुनिया में जो माइकल एंजेलो है वो एक वायरस है। तो यहाँ पे आपको एक नए वायरस का पता चल गया कि माइकल एंजेलो भी एक वायरस होता है। अगला सवाल, व्हाट इज कॉल्ड ए सब्सटेंस व्हेन इट इज मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स? दो या दो से अधिक तत्वों से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? प्योर एलिमेंट, कंपाउंड, प्योर मिक्सचर या फिर प्योर लिक्विड। तो इसका सही आंसर है कंपाउंड, ऑप्शन टू। दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से एक कंपाउंड बनता है, यौगिक जिसे कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चार्जलेस पार्टिकल? आपको बताना है कि जो आवेश रहित कण कौन सा है, चार्जलेस पार्टिकल बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आसान सा सवाल है, इसका जवाब तो हर किसी को पता होगा। सही आंसर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अगला क्वेश्चन, केमिकल नेचर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग्स? किसी भी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ऑन प्रोटॉन, ऑन चार्ज, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। इसका सही आंसर है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका गुण है? न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रेडियो एक्टिविटी बताना किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सही आंसर है इसका न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण का घटक नहीं है? सेटलमेंट, लैंड, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट। सही आंसर है लैंड। बाकी जो भी है, सेटलमेंट इंसान, बस्ती इंसान ने बनाई है, कृषि भी इंसान से और ट्रांसपोर्ट भी इंसान ने बनाई है, बल्कि भूमि नहीं है, भूमि एक इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप पेज को लाइक और शेयर करें ताकि आगे भी हम और जल्दी जल्दी और भी जो वीडियोस हैं वो भी डाल सकें। अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे तो फिर इतना मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब वीडियोस को कोई देखेगा ही नहीं, जब शेयर ही नहीं होगा, मैटर आगे जाएगा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या कि हम और वीडियोस डालें आपके लिए। तो चाहूँगा कि जल्दी जल्दी से आगे इन्हें शेयर करें और लाइक भी करें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया शुड बी? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए?
20 से 23%, 25 से 28%, 31 से 34% और 42 से 45%। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 31 से 34%। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रूसा स्कीम लॉन्च्ड इन 2013। सन 2013 में शुरू की गई रूसा योजना का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपको बताना है उनका उद्देश्य, जो रूसा स्कीम लॉन्च की गई थी 2013 में, उसका उद्देश्य बताना है। व्हाट इज द मेन पर्पस और द ऑब्जेक्टिव? ऑप्शन, प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिजेबल पुअर गर्ल्स, स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन ओल्ड सिटीजन, और नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक लाइटिंग अरेंजमेंट ऑन रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़कों पर विद्युत प्रकाश की व्यवस्था, एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज, बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना, एंश्योर द बीपीएल फैमिली हेड, बीपीएल परिवार के मुखिया का बीमा करवाना, या फिर नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन 2, बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू ट्रेवल अराउंड द अर्थ फर्स्ट टाइम थ्रू द सी रूट? समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन है बार्थोलोम डियाज, फ्रेडिनेंड मैगलेन, जेम्स कुक और जुआन सेबेस्टियन एल्केनो। इसका सही आंसर है फ्रेडिनेंड मैगलेन, जो सर्वप्रथम पृथ्वी का संपूर्ण चक्कर लगाया था, वो उनका नाम है फ्रेडिनेंड मैगलेन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ सिनेमा? जिसे मोशन पिक्चर, जो आजकल सिनेमा चल रहा है, उसका इन्वेंशन किसने किया था? हु इज क्रेडिटेड? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, लूमियर ब्रदर्स, माइकल फेराडे और नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। इसका सही आंसर है लूमियर ब्रदर्स। लूमियर ब्रदर्स ने सिनेमा का इन्वेंशन किया था। अगला सवाल, तानिया सचदेव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तानिया सचदेव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, स्नूकर, चेस और बॉक्सिंग। सही आंसर है चेस। तानिया सचदेवा शतरंज की एक खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक आइडल्स? आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? रवि शास्त्री, हर्षा भोगले, सुनील गावस्कर और एमएस धोनी। सही आंसर है इसका सुनील गावस्कर। अगला सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड तोता ए हिंद, दैट इज द पैरट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा गया था? जियाउद्दीन बरनी, रहीम खान ए खाना, अमीर खुसरो और मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत ही आसान सा सवाल है जिसका आंसर है अमीर खुसरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथ इंडियन डांस स्टाइल? आपको बताना है दक्षिण भारतीय नृत्य शैली कौन सी है निम्नलिखित में से? कथकली, कथक, ओडिसी और मणिपुरी। सही आंसर है कथकली। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
इससे पहले कि अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको फिर से बता दूँ कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगला सवाल, हाउ मच प्राइज मनी इज़ गिवन फॉर महात्मा गांधी पीस प्राइज़? महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 2.5 लाख, नहीं 2.5 मिलियन, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या फिर 2 करोड़? सही आंसर है इसका 1 करोड़। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के लिए 1 करोड़ की राशि दी जाती है। नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? अगला सवाल है ये, नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स? सही आंसर है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं होता, बाकी जितने भी फील्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, मेडिसिन, केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, सब में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट ऑफ माई लाइफ? आसान सा सवाल है ये भी, टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर और विराट कोहली? सही आंसर है इसका युवराज सिंह। टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक युवराज सिंह ने लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? चेतन भगत, नामवार सिंह, रस्किन बॉन्ड और अनीता देसाई? इंग्लिश के प्रसिद्ध लेखक नहीं हैं, उनका नाम है नामवार सिंह। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स इज सिचुएटेड? अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, न्यू दिल्ली, ब्राजीलिया और मॉस्को? इसका सही आंसर है संघाई। संघाई में ब्रिक्स का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है संघाई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द मिलिट्री एक्सरसाइज मैट्री 2016 वॉज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मैत्री 2016 नामक सैन्य अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ? चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और रशिया? तो जो मैत्री 2016 सैन्य अभ्यास हुआ था वो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग जेम स्टोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन म्यांमार? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग जेम स्टोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल इन म्यांमार? निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर का म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता है? रूबीज, फायर्स, डायमंड और जेड? तो सही आंसर है डायमंड। आज का अंतिम सवाल, हु इज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति बताना है आपको कौन है? ऑप्शन है विमला कनंगारा, लेटिसिया राजापक्षे, श्रीमावो बंडारा नाइके और चंद्रिका कुमारातुंगा। ऑप्शन है श्रीमावो बंडार नाइके। तो ये थी आज की क्लास, धन्यवाद।